और खबर शामली से, जहां थूक कर रोटी बनाने का एक और वीडियो सामने आया है और युवक के थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। रोटी पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां कुछ समय पहले जूस में यूरिन मिला के बेचा जा रहा था गाजियाबाद में, और अलग अलग ढाबों पे इस तरह के प्रकरण देखे गए जहां रोटियों पे थूका जा रहा था। अब एक और वीडियो सामने आया। तो ये एक और वीडियो सामने आया है और जाहिद यहां पे ढाबे पे जिस तरह का नाम लिखा है वो ये बता रहा है कि ढाबा किसका है, और यहां जो हरकत हो रही है वो बेहद शर्मिंदा करने वाली है, शर्मसार करने वाली है। रोटियों पे थूका जा रहा है, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा है, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ। और राहुल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। राहुल, वीडियो सामने है, युवक रोटी बना रहा है उस पर थूक रहा है, क्या ये पूरा प्रकरण चूंकि सामने आ चुका है, कार्रवाई क्या हुई है, आला अधिकारियों के संज्ञान में है, क्यों बार बार इस तरह के प्रकरण यहाँ हो रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर बड़ा ही जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो शामली के विजय चौक का बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल है, जहां मुस्लिम होटल है, जहां ऊपर की ओर खाना बना रहा था, रोटी बनाते समय इस युवक का किसी अनजान व्यक्ति ने, राहगीर ने वीडियो बनाई है जिसमें ये थूकता नजर आ रहा है। ऐसी एक वीडियो पूर्व में भी है, लगभग एक 15 दिन पहले शामली में वायरल हुई थी, जो मौसमी के जूस में थूकता नजर आ रहा था। लगातार तमाम बातें हैं, कई बार वीडियो शामली से हो चुकी है, वही जैसे वीडियो वायरल होती है पुलिस हरकत में आती है, हरकत में ना आने के बाद युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो अब ये इसमें इस युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि ये भी पहचान तो उजागर हो रही है, सामने होटल का नाम भी लिखा है, ये युवक भी सामने है, क्या यहां तक पुलिस पहुंची, कोई कार्रवाई हुई? और बार बार ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे कैराना की बात हो, हापुड़ की बात हो, शामली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो? बिल्कुल, इसमें मामला कप्तान साहब के संज्ञान में है, जल्द ही कप्तान साहब से बात भी हुई थी, उनका कहना है कि जल्द ही इस युवक की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए।